Hey everyone, my name is Aditya and welcome back for another video. तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में कुछ समर परफ्यूम शेयर करूंगा। आज इस वीडियो में कोई भी मैं ब्रांड का प्रमोशन वगैरह नहीं करने वाला हूं, जो मुझे पसंद है वो आप लोगों को बताऊंगा। एंड इनका कोई परफेक्ट ऑर्डर नहीं होने वाला है कि नंबर 10 पे नंबर 9 पे है। मेरे कलेक्शन के अंदर जितने भी है मुझे सारे के सारे ही पसंद है। स्टार्ट करते हैं सीधा, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट जो परफ्यूम है वो आता है डोल्चिन गबाना की तरफ से, लाइट ब्लू ओ इंटेंस। अभी वाला जो परफ्यूम है थोड़ा एक्सपेंसिव है, आपको पता ही है डोल्चिन गबाना का है। मेरे पास भी ये 50 ml है आई गेस इनका, एंड ये मुझे मैंने काफी टाइम पहले खरीदा था, तब 2600 रुपए का पड़ा था डील के अंदर, तो काफी बढ़िया डील मिल गई थी मुझे। एंड आप देख सकते हो मैंने कितना कम यूज किया है इसको, बट जब जब इसे यूज किया है तब तब इसने दिल खुश कर दिया, बिकॉज इसकी खुशबू ही कुछ ऐसी है। इसके जूस के कलर को आप देख के बता सकते हैं कि ये एकदम एक ब्लू कैटेगरी का परफ्यूम है। ऑब्वियसली मैं समर परफ्यूम से वीडियो बना रहा हूँ तो ये समर के लिए ही होगा। एंड इसमें से जो स्मेल आती है वो एकदम ओशियनिक सी वाली स्मेल आती है, ऐसा लगता है कि आप बीच पे आ गए हैं। आपको इसके अंदर सॉल्टीनेस भी मिलती है, थोड़ी सी सिट्रसनेस भी मिलती है। अब स्मेल को मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको लगाने के बाद में जो ही आपके सामने ये ओरा क्रिएट करता है, एंड उसकी वजह से मुझे लगता है कि इसके जितने भी पैसे इस पे लगे हैं वो सारे वसूल हो जाते हैं। पहले मेरे को लगता था कि परफ्यूम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने वाले लोग बेवकूफ होते हैं। सच बता रहा हूँ, मुझे कभी समझ नहीं आता था पहले कि 2600 5000 10000 के लोग परफ्यूम्स कैसे खरीद लेते हैं, बट एक बार मैंने खरीद के देखा एंड जो स्मेल आती है, जो इनका एक्सपीरियंस मिलता है वो सही में थोड़ा डिफरेंट मिलता है बेसिक अगर आप एक्स वगैरह या दूसरे कोई ब्रांड्स लगाते हो। मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूँगा, सच बताऊँ तो मैं परफ्यूम्स के अंदर मैं इतना कोई वो नहीं हूँ कि हर एक नोट को पकड़ पाऊँ, बट मैं स्मेल करके ज़रूर बता सकता हूँ कि कौन सा परफ्यूम अच्छा है कि नहीं है। परफॉर्मेंस बहुत सही है, समर के परफ्यूम्स ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, बट ये वाला जो परफ्यूम है काफ़ी सही परफॉर्मेंस दे देता है। एक सी की आपकी थोड़ी मरीन वाइब आएगी जब आप इसे स्मेल करेंगे, थोड़ी सॉल्टीनेस है इसके अंदर, थोड़ी सिट्रसीनेस है, थोड़ी खट्टी खट्टी खुशबू मिलती है, थोड़ी एक मतलब यार मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बट कुल मिला के बहुत ही सही परफ्यूम है ये। ले लो अगर बजट है ना 2000-2500, ये तो मेरे को डील में मिल गया था, बट अगर आपका बजट है 50 ml की बॉटल का भी तो भी ले लेना। मैं देख लूँगा कहीं मुझे मिल गया तो लिंक डाल दूंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इतने सारे पड़े मेरे सामने, अब कोई भी एक उठा के बता देता हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है, बट जो हाथ में आया बहुत ही ज़्यादा महंगा परफ्यूम है। ये है डियोर सवाज EDT, एंड ये इसकी 200 ml की बॉटल है, एंड इसकी कॉस्टिंग जान के आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो काफ़ी कम है इसके अंदर, तो कम दिख रहा है, बट इसके अंदर ऑब्वियसली 50 ml समथिंग है। टेस्टर बॉटल है इसकी, ओरिजिनल की प्राइस जैसे कि मैंने बताया काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है डियोर सवाज, इसकी आप 100 ml की बॉटल लो 7-8 हज़ार रुपये की पड़ेगी, तो ये तो 200 ml की बॉटल है। बट लकीली मुझे इसका टेस्टर मिला, वो भी टेस्टर भी पार्शियल के फॉर्म में, पार्शल्स वो होते हैं जो आधे खाली होते हैं, वो आपको काफ़ी सही प्राइस के अंदर मिल जाते हैं, तो मुझे लगता है सही टाइम पर मैं सही जगह पर था। अब डियोर सवाज इसकी कहानी अगर मैं बताऊँ, तगड़ा है, इसकी कहानी अगर मैं बताऊँ तो ये मुझे कैसे पसंद आया, क्योंकि मार्केट में इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव है, आप जहाँ देखेंगे डियोर सवाज के बनाते हैं, क्योंकि DNA इतना ज़्यादा पॉपुलर है, हर कोई मतलब डियोर सवाज का क्लोन बनाता है। स्टार्टिंग में मेरा इतना बजट नहीं होता था कि मैं एक परफ्यूम के ऊपर 5-6 हज़ार रुपये खर्च करूँ, एक्सपेंसिव परफ्यूम परचेस करूँ, तो बेसिक बंदा जिसको फ्रेग्रेंसेस का शौक होता है वो क्या करता है, क्लोन परचेस करता है। तो इसके क्लोन देखे मैंने, इसके क्लोन्स थे जैसे अजमल का जील आता, अजमल का एक कूरो आता था, अरमाफ का वेंटना आता था, तो अब वो सारे क्लोन्स मैंने यूज़ किए, स्प्रे किए, मुझे अच्छा लगा। मुझे लगता था कि मतलब जब रिव्यूज़ देखे मैंने भी ऑनलाइन, तो मुझे लगता था कि सब कहते हैं 70-80-90% क्लोज है, तो उतना ही क्लोज होगा। देन उसके बाद में मैंने एक बार एक सैंपल मंगाया डियोर ओरिजिनल का, सवाज का 2-3 ml का, बिकॉज बजट नहीं था इतना, बहुत एक्सपेंसिव था, वो भी 300-400 रुपये लगे थे 2 ml के सैंपल के लिए। एंड उसको यूज़ करने के बाद मैंने साइड बाय साइड कंपेयर किया, एक क्लोन मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, ये है अजमल का कूरो, ठीक है, इसका एक क्लोन है, इसके जैसे स्मेल करता है, तो साइड बाय साइड लगा के देखा। अब स्टार्टिंग में तो ठीक था, बट 2-3 मिनट बाद इसके अंदर से एक एम्ब्रोक्सिन का नोट निकल के आता है, एक स्वीट सा, एक एक्वाटिक सा नोट है इसके अंदर भी आता है, बट वो थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर शायद एम्बर ग्रीस यूज़ कर रखा है इसके अंदर, और इसके अंदर जो स्मेल था थोड़ा सा डिफरेंस था। एंड वो इसका जो एम्बर ग्रीस का नोट था वो मुझे इसके किसी भी क्लोन्स के अंदर नहीं मिला, तो दैट्स व्हाई मैंने वाला परचेस किया, सही डील के अंदर मिल गया, अच्छी खासी रेट के अंदर मिल गया मेरे को 50 ml। अब कूरो वगैरह है दूसरे जो इसके क्लोन्स है उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं कहूँगा मैं, मुझे क्या नहीं पसंद है, तो कूरो के अंदर आपको थोड़ा सा ये पाउडरी साइड में जाना लग जाता है, जब ये 15-20 मिनट बाद ड्राई हो जाएगा तो
तो थोड़ा पाउडरी बन जाता है, वहीं ये इसके मेन जो ओरिजिनल जहाँ से स्टार्ट होता है उसी को मेंटेन रखता है, तो इसके अंदर ये पाउडरी होने लगता है। बट जब आप इसे क्लोज स्मेल करेंगे तभी पता लगेगा, हवा में पता नहीं लगता है इतना। कोई नॉर्मल बंदे को पता नहीं लगेगा कि आपने कूरो लगा रखा है, सवाज लगा रखा है, सबको हवा में सेम ही लगती है। तो ये लेयरिंग के काफ़ी अच्छा काम आता है क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसके 8-10-15-20 स्प्रे लगा लूँ, इसके एक दो लगाऊँ तो भी चल जाता है मेरा काम। तो क्लोन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज स्पेशली जब आप एक्सपेंसिव परफ्यूम्स नहीं परचेस कर पाते हो तो क्लोन्स आपकी उस हंगर को सेटिस्फाई करते हैं, तो क्लोन्स होना ज़रूरी है। मैं बस डिफरेंस बता रहा था कि क्यों मैंने ये वाला लिया है। ओरिजिनल में जो बात थी वो मुझे इसके किसी भी क्लोन्स में नहीं लगी। इसका मैंने जील भी यूज़ कर रखा, वो भी काफ़ी अच्छा क्लोन है। कि स्मेल की बात कर लेते हैं तो आपको फ्रेश शावर जेल जैसा परफ्यूम मिलेगा ये एकदम। एंड जब आप इसे स्मेल करेंगे तो आपको एक बार लगेगा कि ये काफ़ी कॉमन सा परफ्यूम। मैंने जब इसका फर्स्ट टाइम क्लोन यूज़ किया था जील, उसको स्प्रे करने के बाद मुझे लगा था कि ये तो वो डर्मी कूल आता उसकी तरह इसकी स्मेल है, तो यार ये इतने महंगे महंगे परफ्यूम कैसे मिलते हैं। बट थोड़ा टाइम दो, थोड़ा ग्रो हुआ मेरे ऊपर, तब मेरे को थोड़ा और बेटर लगने लगा। एंड उसके बाद में इवेंचुअली मुझे जब मैं इसे स्मेल करता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कोई मैं बेसिक स्मेल कर रहा हूँ, मतलब कॉमन होने के बावजूद भी ये कॉमन नहीं है। ओवरऑल मेरे हिसाब से कहने का मतलब मेरा ये है कि गर्मियों के अंदर अगर आपको एक अच्छा परफ्यूम चाहिए तो आपको लेना चाहिए। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो सवाच की तरफ जा सकते हो आप, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, या फिर इसके क्लोन्स भी ले सकते हो आप। कूरो अच्छा है, वेंडाना ठीक ठाक है, अजमल जील आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे ट्राई करके देख सकते हो, मेरा तो इसी पे दिल आया हुआ है। एंड मैं इसको जब जब मैंने स्प्रे किया ना, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे तब तब कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। हवा के अंदर बहुत ही तगड़ा स्मेल करता है, मैं इसे गर्मियों के अंदर कहीं पे भी जाके कभी भी स्प्रे कर लेता हूँ, रात के टाइम पे भी इवन स्प्रे कर लेता हूँ, मुझे बहुत से कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए टीओर सवाज। ऐसे इसका इतना हाइप नहीं है, अब तो बहुत सारे फ्लैंकर्स भी आ गए, इसका ADP भी बड़ा हुआ है मेरे पास। तो ओरिजिनल में जो मुझे लगती है बात मेरे हिसाब से वो किसी और में नहीं है, तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। एक तो इतनी गर्मी हो रही है ना गाइस, क्या ही बताऊँ कितना मुश्किल है शूट समर के अंदर स्पेशली। कोई बात नहीं, अगला जो परफ्यूम है वो आता है अरमाफ की तरफ से, क्लब दे नुई इंटेंस मैन। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि ये वाला जो परफ्यूम है ये मैंने 2021 समथिंग में परचेस किया था, इसका EDT वर्जन है। तब मैंने परफ्यूम्स के बारे में एक्सप्लोर करना सीखा ही था, एंड तब जाके मुझे पता लगा था कि सबसे तगड़ा परफ्यूम है क्रीड एवेंटिस, एंड उसका कोई सबसे तगड़ा क्लोन जो बनाता है, क्योंकि उतनी तो नहीं थी औकात 25,000 रुपये का परफ्यूम खरीदने की, अभी भी नहीं है। अब मैंने देखा कि ये क्लब द न्यू इंटेंस मैन है, इसका EDT वर्जन ज़्यादा क्लोज है, लकीली मैंने इसे ऑर्डर किया। एंड ये वाला जो बैच है इसका जो मुझे मिला है, ओवरऑल पहले परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं क्योंकि लोग बात कहते हैं कि EDT के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलती है, बट मैं बताऊं तो ये EDT होने के बावजूद भी मुझे पता नहीं क्यों ये तो मेरे बैच के साथ ही है ऐसा, या फिर रखे रखे अच्छे से मैसेरेट हो चुका है, बट इससे मुझे 8-9 घंटे की परफॉर्मेंस मिल जाती है, स्पेशली जब मैं इसे स्प्रे करता हूँ कपड़ों के ऊपर, अपने हेयर के ऊपर, क्योंकि अब मेरे बाल लंबे हैं तो मैं बालों के ऊपर स्प्रे कर सकता हूँ, वो थोड़ी ज़्यादा लास्टिंग रहती है उससे। तो इससे जो लास्टिंग है बहुत सही मिल जाती है मुझे। एंड बहुत से लोग कहते हैं इसके दूसरे वर्जन आ गए हैं, EDP आ गया है, प्योर परफ्यूम करके कुछ आ गया है अरमाफ के अंदर ही, एंड इन्होंने रेट्स भी बढ़ा दिए अभी। तो वाले जो परफ्यूम्स आते हैं मैंने उसका सैंपल मंगाया था, अब जब मैंने उसे यूज़ किया तो उसको यूज़ करने के बाद में मुझे जो वाइब इसमें से आती है वो उसमें से आई नहीं। इसकी स्मेल बता दूँ, बचपन में हम एक स्लाइस सी सील सी करके कोई एक पाइनएप्पल या फिर एक लेमन टाइप की टॉफी खाते थे, एंड यार जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम स्प्रे किया था तो मुझे एकदम सेम मिला। अभी भी काफ़ी प्रीमियम फील होती है ये खुशबू, मुझे नहीं पता है कि क्रीड एवेंटस के कितना क्लोज है, बट आप जाके देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हवा में पता ही नहीं लगता कौन सा क्रीड एवेंटस है कौन सा ये है। तो क्लोन तो काफ़ी अच्छा है, बट मैंने ओरिजिनल यूज़ नहीं किया तो मैं बता नहीं सकता कितना क्लोज है, बट मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इसकी जो खुशबू है कॉम्प्लीमेंट दिलाती है। जब आप इसे स्प्रे करके जाएंगे तो बहुत से लोग इसे कहते हैं वर्सेटाइल परफ्यूम है, कहीं पे भी स्प्रे कर सकते हो, समर्स में लगा सकते हो, विंटर्स के अंदर लगा सकते हो, पार्टीज़ में लगा सकते हो, ऑफिस में लगा सकते हो। तो हाँ, इसकी खुशबू ऐसी है कि ये सारी तरफ काम कर जाता है। एंड मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि अगर मैंने जो आउटफिट पहन रखा है वो अगर फॉर्मल पहन रखा है तो उसके ऊपर भी ये अच्छा इंप्रेशन दे देगा, कैजुअल पहन रखा है उसके ऊपर लगा रखा है तो उसके ऊपर भी अच्छा इंप्रेशन दे देगा। तो ये सारी तरीके से वर्क कर जाता है, एंड मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट समर परफ्यूम्स कह लो, इसको ऑलराउंडर परफ्यूम कह लो, सारी तरीके का परफ्यूम है। आपको स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा लेमन बर्स्ट मिलता है, इसके अंदर आपको थोड़ी स्मोकी पाइनएप्पल मिलता है। अभी तो पता नहीं इसका EDT वर्जन कितने का मिलता होगा, मैंने तो लिया था तब मुझे 2021 समथिंग का पड़ा था, और तब से मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी परचेस से, एंड ये पड़ा पड़ा मैसेरेट भी हो गया, ये थोड़ा बीस्ट मोड साइड में जा चुका है।
एक बार तो मतलब इसका समझ लो, मैं 2-3 स्प्रे लगा के गया था, 2-3 फीट खड़े दूर बंदे को मेरे में से स्मेल आ रही। और मतलब यार उस टाइम पे मुझे लगा था यार कि मुझे फील नहीं हो रहा, बट बंदों को फील हो रहा है ये इतनी दूर भी। तब मैं समझ गया था कि भाई अपने सही बैच हाथ लग गया है, फिर सही फॉर्मुलेशन क्या है, अपन लकी हो गए इसके मामले में। बिकॉज बहुत से लोगों की EDT लास्ट नहीं करते, तो मेरा तो बहुत सही लास्ट करता है, एंड इसीलिए मैं इसे काफ़ी कम कम लगाता हूँ। अब एक बेला वीटा का क्लब मैन करके आता। अब मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि इससे बेटर है या कुछ है, वो 500 रुपये के अंडर आपको मिल जाएगा, बट उसको जब मैंने स्प्रे करके स्मेल किया तो इसके क्लब द न्यूट इंटेंस मैन की जो इसकी जो स्मेल है उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगा है मुझे, 70-80%। हाँ, दोनों को साइड बाय साइड स्प्रे करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाटर डाउन वर्जन है वो इसका, बट अगर आपको स्मेल इसकी एक्सपीरियंस करनी हो तो वो डेफिनेटली ट्राई करना। ज़्यादा स्प्रे लगा लो, 500 रुपये का आ रहा है तो 10 स्प्रे लगा लो 5 के, तो काम चल जाता है। आप अपने को ऐसे शॉपिंग करनी कि अपने पैसे भी बच जाए एंड हमें अच्छे परफ्यूम भी स्मेल करने को मिल जाए, कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल जाए, तो स्मार्ट शॉपिंग करनी है हमें। ये परफ्यूम ऐसे भी सारे शौक की बात होती है कि आपने 5,000-10,000 का परफ्यूम ले लिया है, बट एट दी एंड आपको लगाना ही है उसे। नेक्स्ट परफ्यूम नॉटिका वॉयज। अब इसकी स्मेल की बात अगर मैं करूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि काफ़ी बेसिक परफ्यूम है, बट इसको जब मैंने स्मेल किया था तो मैंने उस टाइम तक ऐसा कुछ स्मेल ही नहीं किया था। मतलब मुझे इससे स्मेल करने के बाद में पता लगा था कि हाँ, अगर आप पैसे देते हो तो आपको थोड़े एक्सपेंसिव स्मेलिंग परफ्यूम मिल सकते हैं, एंड वैसा ही कुछ इसकी स्मेल है, थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है। मतलब इसको एकदम स्मेल करने के बाद में आपको फ्रेश फीलिंग आएगी। अब मैं हर चीज़ को ऐसे रिलेट नहीं कर सकता कि जैसे कि आप बीच पे बैठे हुए, बहुत सारे लोग बीच पे गए नहीं है तो उनको कैसे पता बीच पे बैठने के बाद कैसी स्मेल आती है। अब डोल्चेन गबाना लाइट ब्लू ओ इंटेंस जो मैंने आप लोगों को बताया था, उसको जब आप स्मेल करते हो तो उसके अंदर मैंने बताया आपको थोड़ी मरीन, थोड़ी सी पानी जैसी सॉल्टी, थोड़ी सी खट्टी खट्टी, बट ओवरऑल अगर आपको उसको जानना है तो आपको खुद को उसे यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा कि इसमें से कैसी खुशबू है। अब सिमिलर मैं इसको मरीन कैटेगरी के अंदर रख सकता हूँ, बट दोनों की स्मेल सेम नहीं है, इसके अंदर थोड़ी डिफरेंट आती है। इसके अंदर थोड़ी आपको एक लोटस कमल का जो फूल होता है उसकी जैसी स्मेल आती है, अगर आपने कभी इसे स्मेल किया हो तो। एक्वेटिकनेस, थोड़े खीरे की स्मेल आती है इसके अंदर। अब आप लोग बोलोगे कि फ्रेग्रेंस के अंदर खीरे की स्मेल कैसे आ सकती है, तो आपको उसको यूज़ करना पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी, ये अगर आप ब्लाइंड बाय करके भी लोगे ना जो परफ्यूम्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप उनसे ऐसा नहीं होने वाला है कि आपको पसंद नहीं आएंगे। ये सारे परफ्यूम्स मैं ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि मेरी पसंद ही ऐसी है यार, मेरे को जो पसंद आया था वो सबको आता ही है पसंद, तो अच्छे अच्छे परफ्यूम्स ही रखता हूँ, हर किसी नल्ले परफ्यूम नहीं रखता अपने लिस्ट के अंदर। तो आप चेकआउट कर सकते हो, बजट के अंदर काफ़ी सही है अगर आपको एक्सपेंसिव स्मेल करना हो, डिफरेंट स्मेल करना हो। बिकॉज आजकल क्लोन्स ज़्यादा आ गए मार्केट में, तो दूसरे परफ्यूम्स के आपको क्लोन्स भी मिल जाएंगे, इसके क्लोन नहीं मिलेंगे। एंड ये हवा के अंदर बहुत सही लगता है एंड अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिलाता है, हाई हीट के अंदर स्पेशली। तो अगर आपको फुल गर्मियों के लिए कोई अच्छा सा एक परफ्यूम चाहिए अच्छा खासा, तो डेफिनेटली ये वाला चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही फ्रेश, बहुत ही एक्वेटिक, लोटस की खीरे की स्मेल, एंड मुझे अभी भी बहुत प्यार है अपने इस वाले परफ्यूम से। एंड मुझे जब लगाना होता है डेफिनेटली, आज तो मैंने कोई लगाया नहीं, पता नहीं इस लिस्ट के अंदर से कौन सा लगाऊंगा मैं, बट डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए, वन ऑफ दी बेस्ट समर परफ्यूम है। और हाँ, लास्टिंग भी बहुत सारे लोग पूछते, तो लास्टिंग भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको। क्लोज के ऊपर लगा लो, 2-3 स्प्रे एक्स्ट्रा लगा लो तो अच्छी लास्टिंग मिल ही जाती है। अपने अगर हेयर लंबे हैं तो या पीछे लगा सकते हो, हेयर के यहाँ पे छोटे भी है तो पीछे वाली साइड अगर लगा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती। अब नेक्स्ट जो परफ्यूम है उसकी बॉटल नहीं है मेरे पास, उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगा क्यों नहीं है मेरे पास, बट उसका सैंपल ज़रूर है। वो आता है रसासी की तरफ से, रसासी हवस, ठीक है, फोकस हो गया होगा। अब इसकी बॉटल क्यों नहीं है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो परफ्यूम है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफ्यूम, सब इसकी बात करते हैं, सबको पसंद है, सबको पसंद आता है, खुशबू ही ऐसी है। इसके काफ़ी सारे क्लोन्स मिलते हैं मार्केट में, वाइल्ड स्टोन एज कहते थे लोग, बाग इसकी तरह ही स्मेल करता है, ठीक है। अरमाफ का एक ओरा आता था, इसकी सिमिलर कैटेगरी में स्मेल करता है। लताफा का नज़दिया आता है। उसके बाद में मैंने सोचा कि ज़्यादा बातें हो रही है, लोग बाग ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, तो मंगा के देखते हैं, सैंपल मंगा के देखते हैं। इसको मैंने स्प्रे किया एंड कहीं पे भी दूसरे जो क्लोन्स हैं मुझे इसके बराबर नहीं लगे। हाँ, सिमिलर कैटेगरी में थे, आपको सिमिलर स्मेल आ जाती है, वाइल्ड स्टोन एज में से आ जाती है, 200-300 रुपये का परफ्यूम है, इसके सिवाय भी आ जाती है आपको, ठीक है। नज़दिया भी कहीं भी थोड़ा बहुत आपको मिल जाती है वैसी वाइब स्टार्टिंग के अंदर, बट इसके अंदर स्टार्टिंग का एक एक्वाटिक नोट था जो एम्बर ग्रीस की वजह से है, वो मुझे वाइल्ड स्टोन एज में भी नहीं मिला, वो मुझे नज़दिया के अंदर भी नहीं मिला।
नहीं किसी और के अंदर मिला। एंड वो जैसे कि मैंने सवाज के साथ बताया था कि अगर आप कोई परफ्यूम एक बार ऐसा लगा लेते हो तो उसकी बोतल लिए बिना आप रह नहीं पाते। देन क्या हुआ कि मुझे इसका एक क्लोन मिला एंड वो क्लोन 90-95% इसके जैसा स्मेल करता है, बिलीव नहीं करोगे। बट और वो मैं आपको मेन बात बताऊं कि वो क्लोन आप परचेस कर भी नहीं सकते हो, बिकॉज वो एक लोकल वेंडर है जो मुझे यहाँ पे मिल गया, जिसने इसके अराउंड मतलब हवास के अराउंड 95% सिमिलर परफ्यूम बना दिया। दैट्स व्हाई मुझे इसकी ओरिजिनल बोतल खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो जो लोकल वेंडर इस टाइप की बोतल में आता है ये हवास का ही है, हवास रसा से लिख रखा है उसके ऊपर। तो जब से मैंने इसको यूज़ किया ना तो इसका मुझे लगता है कि ड्राई डाउन में हल्का सा 5% कुछ डिफरेंस होगा, बट इतना डिफरेंस नहीं लगा मुझे कि मुझे इसकी ओरिजिनल बोतल ख़रीदनी पड़े। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आपको स्मार्ट शॉपिंग करनी चाहिए अगर आपको पैसे बच रहे हैं, जहाँ पे वहाँ पे पैसे बचा लेने चाहिए। एंड ये वाला जो परफ्यूम है जो लोकल वेंडर की तरफ से है, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये 600 रुपये की बोतल है, 40-50 ml आराम से। एंड ये अकेला 8 ml मेरे को रसासी हवस का मिला था 300-400 रुपये का ओरिजिनल। तो आप देख लो प्राइस के अंदर, अभी तो खैर हवस आइस भी आ चुका है तो वो आपको इसकी प्राइस गिर के 3400-3500 के अराउंड आ चुका है, बट अभी कहते हैं इसकी परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। ये इसने क्या ही सही काम कर रखा है, एक तो स्मेल सेम टू सेम, एक परफॉर्मेंस इससे भी बेटर, 8-9 घंटे की परफॉर्मेंस। तो यार कभी कभी कुछ तुक्के ऐसे भिड़ जाते हैं कि अपना काम बन जाता है। तो दैट्स व्हाई मैंने इसकी नहीं करी थी, बट डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हैं, बहुत ही तगड़ा परफ्यूम है। वाइल्ड स्टोन एज लताफा नाज दिया, हेवन डफ्ट भी सुना है मैंने उसका, कुछ कोस्टल इंडिया था, यूज़ नहीं करके देखा। ये सब उस इसकी कैटेगरी में बताते हैं, इसके क्लोन्स ही हैं। हाँ जा इसके क्लोज चले जाते हैं 60-70% तक, बट आपको एकदम ओरिजिनल एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता। तो अगर आपको ओरिजिनल यूज़ करना है तो ओरिजिनल ही लेना पड़ेगा। मेरा तो तुक्का सही भिड़ गया, मेरे को तो सही मिल गया है, बट अगर आपको परचेस करना है हवस तो आपको ओरिजिनल बोतल ही लेनी पड़ेगी। मुझे आज तक तो ऐसा कोई क्लोन नहीं मिला जो 95% सिमिलर स्मेल करता हो इसके। नेक्स्ट परफ्यूम वर्साचे की तरफ से आता है, वर्साचे मैन ओ फ्रेशी, दिखा दूंगा इस बोतल में, बढ़िया बोतल है, महंगा ब्रांड है, 3-4 हज़ार रुपये का मुझे मिला था, 4 हज़ार रुपये का समथिंग 100 ml। अभी आप 100 ml खरीदने जाओगे 5-6 हज़ार पता नहीं क्या मिल रहा होगा, बट सही टाइम पे सही जगह से मैंने ले लिया तो मुझे सही रेट के अंदर मिल गया ये वाला। अब इसकी स्मेल की बात करें तो जब इसे स्प्रे करते हो ना आपको एक स्टार फ्रूट का नोट मिलता है। अब स्टार फ्रूट का नोट कैसा होता है, अब स्टार फ्रूट तो किसी ने खाया नहीं है, मैंने तो नहीं खाया था जब मैंने इसके बारे में सुना था, बट एक लग्जरीनेस और एक फ्रूटीनेस को अगर आप मिला दो और उसको थोड़ा फ्रेश बना दो तो वैसी स्मेल है। एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कैसी स्मेल आती है, बट बहुत ही सही परफ्यूम है, वर्थ बाइंग है। अगर आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्मेल करना पसंद है तो आप कहीं पे भी जाए, भीड़ से अलग स्मेल आए आपके अंदर से और जाओ तो लोगों को पता लग जाए कि यार ये बंदा थोड़ा मतलब सही है, स्टैंडर्ड हाई करने वाली अगर आपको कोई खुशबू चाहिए तो ये वाला चेकआउट कर सकते हो। के क्लोन्स आते हैं काफ़ी सारे, एक आता आर्माफ की तरफ से ओरा फ्रेश, मैंने यूज़ नहीं करके देख रखा तो मैं बता नहीं सकता हूँ कितना क्लोज है ओरिजिनल के। एंड एक आता है एंटोनियो बर्नैंडिस जो भी है उसका ब्लू सिडक्शन आता है, तो वो वाला आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, वो भी कहते हैं कि इसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, बट मेरे पास ओरिजिनल है तो मुझे क्लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एंड मैं इतना यूज़ नहीं करता हूँ कि करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रखा है बट इतना यूज़ नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि कलेक्शन काफ़ी बड़ा है ना तो वो परफ्यूम बच ही जाता है। जैसे कि मैंने बताया स्टार फ्रूट की खुशबू आती है, एक फ्रेश स्वीटनेस भी है इसके अंदर, थोड़ी फ्रेशनेस भी है, प्रीमियमनेस भी है, सोफिस्टिकेशन भी है। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो मेरा इसको लगाने का मन है आज। स्प्रेयर भी काफ़ी अच्छा है इसका, फर्स्ट स्प्रे से ही आपको थोड़ी सिट्रसनेस मिलेगी, फ्रूटीनेस मिलेगी स्टार फ्रूट की वजह से। एंड बाद में इसमें से एक पता नहीं क्या एक एक्सपेंसिव सा नोट निकल गया था, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं कोई परफ्यूम एक्सपर्ट नहीं हूँ जो हर एक नोट के बारे में जानता है, बट मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि कौन सी खुशबू अच्छी स्मेल करती है और कौन सी ऐसी खुशबू है जो आपको कॉम्प्लीमेंट दिलाती है, तो ये आपको डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट दिलाएगी। दोस्त तो पक्का पूछेंगे भाई क्या लगा रहा है आजकल, इतना बढ़िया स्मेल कर रहा है, तो चेकआउट ज़रूर कर लेना। इसके बजट ऑप्शन उन्होंने बता दिए हैं, आर्माफ का वो ओरा ब्लू है कुछ, एंड एंटोनियो बर्नैंडिस का ब्लू सिडक्शन, उनके रिव्यूज़ देख लेना यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, सस्ते रेट में मिल जाएगा। अगर इसका बजट है तो इसके लिए डेफिनेटली जा सकते हो। इसके टेस्टर्स वगैरह भी मिलते हैं जिसमें कैप नहीं मिलती, आपको थोड़ी सही रेट पर पड़ जाएगा तो वो मिलता हो तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं।
अगला जो परफ्यूम है उसका भी मेरे पास डिकेंट है एंड ये है ब्लू दे शनल EDP का है ये 8 ml और 8 ml मेरे को पड़ा था 800 रुपये का। कितना महंगा है मतलब इतनी सी बोतल ये 800 रुपये की मिली थी मेरे को। इसकी ओरिजिनल बोतल अगर आप लेने जाओ ब्लू दे शनल की तो वो आपको 8 से 10 हज़ार की पड़ेगी। इसके अंदर 3 कंसंट्रेशन आते हैं, EDT आता है, EDP आता है एंड परफ्यूम आता है जो मैंने स्मेल नहीं किया बट EDP तो मेरे पास है। EDT के मेरे पास क्लोन्स थे एंड एक था हरमाफ का टैग हिम, काफ़ी सही था। जब जब लगाया तब तक कॉम्प्लीमेंट मिला बिकॉज उसके ड्राई डाउन के अंदर पता नहीं ऐसी क्या बात थी कि कॉम्प्लीमेंट काफ़ी सही मिलता था। तो इसकी स्मेल के बारे में अगर बात करें तो एकदम एक फ्रेश शावर जेल जैसी स्मेल है बट एट द सेम टाइम इसके अंदर भी वो एक प्रीमियमनेस फील होती है लगाने के बाद में। बट मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग इतना नहीं खर्च कर सकते हैं 8-10 हज़ार रुपये, मैंने भी नहीं किया गाइस। तो इसका क्लोन बता देता हूँ आपको, ये ब्लू दे चांस करके आता है, ये मुझे EDP से ज़्यादा EDT का क्लोन लगता है। ठीक है, ऐसी कुछ बोतल आती है इसकी जब ऐसे स्प्रे करते हो, काफ़ी फ्रेश एक लेमन के छिलके जैसी स्मेल आती है स्टार्टिंग के अंदर और भी ज़्यादा नोट्स आते हैं, इसकी खुशबू और भी ज़्यादा एक्सपेंड होती है बट मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं पता कि क्या क्या नोट्स यूज़ कर रखे हैं। बट इतना ज़रूर पता है कि ब्लू दे शनल का जो EDT आता है उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज है ये। EDP से भी स्टार्टिंग के अंदर आपको थोड़ा बहुत क्लोज लगेगा बट ये उसके कंपैरिजन में EDP के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्रेशर है और भी ज़्यादा आपको इसके अंदर एयरीनेस मिलेगी। उसकी जो खुशबू है वो वाला थोड़ा कम फ्रेश है एंड उसके अंदर एक सैंडलवुड का नोट आता है जो चेंज कर देता है खुशबू। ठीक है, तो ओवरऑल ये वाला जो है अगर आपको EDT का अच्छा क्लोन चाहिए तो ये चेकआउट कर सकते हो। अरमाफ का टैगिंग भी मैं रिकमेंड कर देता बट अभी अरमाफ ने प्राइजेस बढ़ा रखे हैं, ये आपको 1000-1200 में मिल जाएगा और अरमाफ का जो टैगिंग है वो 1800-2000 के अंदर मिलेगा। तो डेफिनेटली वाला चेकआउट कर सकते हो, सस्ता आता है तो 15-20-30 स्प्रे लगा के चले जाओ, परफॉर्मेंस उतनी नहीं मिल पाती है, 4-5 घंटे मिलेगी स्किन के ऊपर, तो ज़्यादा स्प्रे लगा के चले जाओ, एरी है, किसी को ऑफेंड नहीं करेगा ये वाला एंड जहाँ भी जाएगा एक ऐसा ओरा छोड़ेगा कि यह बंदा भाई साफ़ सुथरा ही रहता है, अच्छा नहा धो के बढ़िया आता है एंड इसके पास जब भी आते हैं तो फ्रेश वाइब आती है हमें। ठीक है, और एक हल्की सी मिस्टीरियसनेस भी मिलती है ओरिजिनल ब्लू दे शनल से क्योंकि इसके अंदर तो इसका बेस तो मुझे उतना क्लोज नहीं लगता ओरिजिनल के बट ओरिजिनल के अंदर जो बेस आता है जब वो ड्राई डाउन के बाद में स्मेल करता है तो एक मिस्टीरियसनेस सी थोड़ी सी खुशबू लगती है मुझे उसके अंदर। तो अगर आप ओरिजिनल ले सकते हैं तो ठीक है, 8-10 हज़ार रुपये या फिर आपको कहीं डिकेंट मिल जाए कुछ मिल जाए तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। बाकी काफ़ी सही रेप्लिकेट कर देता है, 80-90% क्लोज चला गया है EDT के। अभी मैंने देखो इतने सारे परफ्यूम पड़े हुए हैं, अभी ऑलरेडी वीडियो इतनी लंबी हो चुकी है, पता नहीं कितनी लंबी जाएगी, देखते हैं, कट लगा दूंगा कुछ उल्टा फुल्टा बोला होगा तो वहाँ पे। नेक्स्ट जो है अगेन प्राडा लोम, मेरे पास इसका क्लोन पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी ये क्लोन भी एक लोकल वेंडर ने बनाया है बट इसका एक क्लोन आता है, ओरिजिनल तो मैंने स्मेल नहीं किया यार उसका, तो डिकेंट भी स्मेल नहीं किया बट उसका एक क्लोन आता है अजमल की तरफ से, इवोक गोल्ड पड़ा है मेरे पास बट थोड़ा दूर पड़ा है तो अभी निकालने में को थोड़ा जोर आ रहा था। बट सेम कहने की बात ये है प्राडा लोम अभी वाला जो है ये आपको एक सोपी खुशबू, अब लोग बाग कहते ज़्यादा ही सोपीनेस आती है, इसके जो क्लोन्स होते हैं जो मैंने अजमल वाला भी यूज़ किया उसके अंदर सोपी तो नहीं आती बट एक हाँ आपको सोपी फील आएगी बट उसके अंदर थोड़ा कार्डिमम का थोड़ा इलायची का नोट मिलता है मुझे, थोड़ी पाउडरीनेस मिलती है तो ओवरऑल उसकी खुशबू काफ़ी ज़्यादा सेडिक्टिव बन जाती है। अब मुझे नहीं पता ओरिजिनल कितना ज़्यादा स्मेल करता है उसकी तरह क्योंकि लोग बाग कहते हैं कि ओरिजिनल के अंदर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा सोपीनेस मिलती है बट मेरे हिसाब से अगर आपको एक अच्छा परफ्यूम चाहिए समर्स के अंदर भी हाई हीट के अंदर नहीं, जब आप इंडोर्स हो एसी एनवायरनमेंट के अंदर हो इम्प्रेशन छोड़ना चाहते हो अच्छा खासा एक क्लीन सोफेस्टिकेटेड सिडक्टिव सारी खुशबू का अगर आपको चाहिए तो आपको प्राडा लोम चेकआउट करना चाहिए। ओरिजिनल तो पता नहीं 7-8-10 हज़ार रुपये का कुछ आता है, अपना जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अपना काम अगर क्लोन से चल रहा है अच्छा स्मेल है बजट के अंदर अपन को अच्छा क्लोन मिल रहा है तो डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। अब मैंने इसका क्लोन बनवाया है कह के तो वो जो अजमल का ये वो गोल्ड एडिशन आता है उससे बेटर स्मेल करता है, ये वाली जो बोतल आती है वो 2200 रुपये की आती है यानी ये मुझे अराउंड 1000 रुपये के अंदर मिल गया है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि प्राडा लोम काफ़ी सही खुशबू है, काफ़ी सही परफ्यूम है, मैंने उसका ओरिजिनल नहीं स्मेल किया है फिर भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ क्योंकि मैंने उसके क्लोन स्मेल किए हैं एंड जिस हिसाब की इनकी एक्यूरेसी है
उससे मैं बता सकता हूँ कि ये 90-95% ओरिजिनल के क्लोज़ है। तो 8,000 का परफ्यूम मुझे 1,000 रुपये के अंदर बन चुका है। एंड मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको फ्रेश, क्लीन, सोफेस्टिकेटेड, सिडक्टिव सारा एक साथ में स्मेल करना है तो प्राडा लोम ले लेना, आपका काम हो जाएगा। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट जैसे कि मैंने बताया अजमल का ही वो गोल्ड एडिशन है, वो ट्राई कर सकते हो, उसका अच्छा क्लोन है बट वो भी 2,000-2,500 रुपये की रेंज में आएगा। लास्ट 2-3 परफ्यूम्स और बताऊंगा, बहुत लंबी हो रही है वीडियो। तो अब नेक्स्ट जो है ये आता है थ्योरम रियू ब्रोका की तरफ से, ये रही इसकी बॉटल, ठीक है। अभी लास्ट ईयर इसका काफ़ी ज़्यादा हाइप हो रहा था कि एक अफनान का परफ्यूम आता था तुराती ब्लू, ठीक है, कि बहुत तगड़ा परफ्यूम, बहुत तगड़ा परफ्यूम है, 3,000-3,500 रुपये की रेंज में आता था। फिर अफनान की कोई पेरेंट कंपनी, क्या बोलते हैं पता नहीं, उसकी कंपनी मतलब उसके अंडर आने वाली कंपनी ने ये थ्योरम निकाला। एंड इसकी जो स्मेल है उसके साथ में तुराती ब्लू के कंपैरिजन में काफ़ी सिमिलर है, 90-95% है। लोग बाग कहते हैं ये थोड़ा और फ्रेश है उससे, मैंने वाला यूज़ नहीं कर रखा तो मैं उसके बारे में बता नहीं सकता हूँ, बट ये है, ये बल्गारी के टाइगर परफ्यूम आता, उसका क्लोन्स है। तो अब इसकी बात करें, ठीक है, थ्योरम की बात करें तो मैंने इसको मंगा लिया बिकॉज हाइप के अंदर था काफ़ी ज़्यादा, बहुत लोग बोलो भाई ले लो यार, बहुत तगड़ा परफ्यूम है, बहुत तगड़ा परफ्यूम है। आया मेरे पास, मैंने यूज़ किया, जब मैंने इसे स्प्रे किया फर्स्ट टाइम, मैं आप लोग बता दूँ, अगर आपने मिंट मोइतो मोजितो जो भी बोलते हैं पिया है गर्मियों के अंदर, उसकी फर्स्ट सिप मारते हैं तो कैसे आपको एकदम फ्रेश, खट्टा, मिंटी, मसालेदार स्मेल आती है ना, एक टेस्ट आता है ऑब्वियसली आप पीते हो तो उसको, सेम आप समझ लो ये है वो, ठीक है। और जैसे जैसे ड्राई होता है स्प्रे करने के बाद में तो ये थोड़ा ज़्यादा और वार्म्थ पकड़ता रहता है, एक मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा एरी होता है फिर थोड़ा थोड़ा डीप होने लग जाता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ जाओ, काफ़ी सही खुशबू है, डिसअपॉइंट नहीं करी। जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लू द चैनल बताया, मैंने आपको डियोर सवाज बताया, और माफ का क्लब द न्यू इंटेंस मैन बताया, रसासी हवस हो गया। तो ये वाले जो परफ्यूम्स हैं बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते हैं, यूज़ करते हैं, अगर कोई परफ्यूम पॉपुलर है तो बहुत सारे लोग यूज़ करेंगे। अगर आप भी सिमिलर परफ्यूम्स लगाएंगे तो आपका उतना अच्छा इंप्रेशन नहीं क्रिएट हो पाएगा क्योंकि लोग बागों ने वैसी परफ्यूम को स्मेल कर रखा होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो परफ्यूम ख़राब है, क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलर है तो ज़्यादा लोग उन्हें यूज़ करते हैं, या फिर उसके क्लोन्स तो काफ़ी आजकल सस्ते रेट में मिलते हैं तो बहुत सारे लोग लगाते हुए मिल जाएंगे आपको। बट ये वाला जो परफ्यूम है थोड़ा हिडन जेम टाइप है, इसके ज़्यादा क्लोन्स भी नहीं है, ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। आपको यूनिक स्मेल करना हो, आपको फ्रेश स्मेल करना हो, सेक्सी स्मेल करना हो, कॉम्प्लीमेंट दिलाने वाली खुशबू अगर आपको चाहिए हो जिससे आपका तो मूड बढ़िया हो, बट आप जहाँ भी जाए उन लोगों का भी मूड बढ़िया हो जाए इस खुशबू को स्मेल करके, तो रियू ब्रोका का थ्योरम आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, परफॉर्मेंस अच्छी है कपड़ों के ऊपर, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मैं परफ्यूम से परफॉर्मेंस निकाल लेता हूँ, अगर मुझे 20 स्प्रे करने पड़ जाए तो मैं 20 कर देता हूँ। हाँ, वो डिपेंड करता है आप कहाँ पे भी जा रहे हो। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही तगड़ी, बहुत ही यूनिक, एट द सेम टाइम बहुत ही सेक्सी, ऐसा स्मेल करना हो तो ले लेना आग बंद करके। नेक्स्ट जो परफ्यूम है ये आता है अलबेत अल दिमिश्की की तरफ से, क्या नाम से नाम, ठीक है। अभी वाला जो है अलबेत अल दिमिश्की जो है ये क्लोन्स बनाती है, इसके क्लोन ही मेरे को बताए आते हो, खुद का बनाती हो तो पता नहीं। तो इसका जो परफ्यूम है ये वाला जो परफ्यूम है ये अल्योर ओम स्पोर्ट शनेल की तरफ से आता है, उसका क्लोन है, ठीक है। अब जब आप इसे स्मेल करते हैं ना तो इसके अंदर आपको ये काफ़ी ज़्यादा एक क्रीमी फ्रेश परफ्यूम लगता है मुझे, कि इसको जब आप स्मेल करेंगे तो आपको एक क्रीमीनेस फील होगी। अब क्रीमीनेस कैसे फील होगी वो आपको यूज़ करना पड़ेगा तभी आपको पता लगेगा। ओवरऑल अल्योर स्पोर्ट जो है शनेल का काफ़ी एक्सपेंसिव आता है, उसके ज़्यादा क्लोन्स हो तो भी नहीं पता, एक अल दिर्गम करके आता है कुछ 1200-1300 रुपये का, वो वाला भी है, बट मैंने ये अलबेत अल दिमिश्की का इसलिए परचेस किया बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, एंड ज़्यादा परफॉर्मेंस होगी तो आपको ज़्यादा बार स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, अच्छा चलेगा, एक बार लगाने से ही आपका पूरा दिन निकाल देगा। तो उससे काफ़ी ज़्यादा क्लोज है ऐसा लोग कहते हैं, मैंने यूज़ नहीं करेगा ओरिजिनल वाला, बट खुशबू काफ़ी सही है, क्रीमीनेस मिलती है, अगर आपको एक फ्रेशनेस के साथ में थोड़ी क्रीमीनेस पसंद हो तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। मैं आप लोगों को बस रिकमेंड कर सकता हूँ कि ये परफ्यूम्स अच्छे हैं, ठीक है। अब मैं जैसा कि मैंने बताया इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं हर एक नोट को निकाल निकाल के बताऊँ इसमें से कि ये है ये है, फ्रेश खुशबू है, क्रीमी खुशबू आ रही है मेरे को, एंड एक अच्छी खुशबू है। तो मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर वो उनमें से आप कोई भी ले लोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है, समर्स के लिए। परफॉर्मेंस भी अच्छी है एंड ये हर कहीं पर मिलता भी नहीं है, अलबेत अल दिमिश्की आपको
दूसरे कुछ सेलर्स होते हैं अच्छे, उनसे आप कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। तो आपको लेना हो मुझे मैसेज कर देना, कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से ले सकते हो। ये वाला फाइनल परफ्यूम बता रहा हूँ, अब ये वाला जो परफ्यूम है, अगर आप लोगों को ऑफिस के लिए कोई सेंट चाहिए जो थोड़ी मैच्योर वाइब्स दे, ठीक है, अगर आप 25 साल से ऊपर के हैं एंड आप चाहते हैं थोड़ा आपको प्लेफुल वाइब नहीं मिले ऑफिस के अंदर, थोड़ी मैच्योर वाइब मिले, थोड़ी सीरियस वाइब मिले, थोड़ी वर्कोहॉलिक बंदे जैसे वाइब मिले, एट द सेम टाइम अच्छा स्मेल, फ्रेश स्मेल, जहाँ भी जाओ भाई सही लग जाए यार क्या लगा रखा है, ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे रिएक्शंस आपको चाहिए, तो ये वाला आपको मिलेगा। सासी की तरफ से आता है फतान, ठीक है। अब ये जो है ये क्लोन है टेरा दी हर्मेस का, काफ़ी महंगा परफ्यूम आता है, मैंने ओरिजिनल नहीं स्मेल कर रखा है, बट इसकी काफ़ी ज़्यादा मैंने तारीफ़ें सुनी हुई हैं, एंड इसको यूज़ करने के बाद मेरे को लगता है कि तारीफ के काबिल भी है। ये ग्रीन, जैसे बारिश आ रही हो फॉरेस्ट के अंदर, किसी ग्रीन ग्रीन सी खुशबू मिलेगी, एंड इसके अंदर एक पता नहीं यार एक थोड़ा मैच्योर वाइब भी है इसके अंदर। जब आप इसे स्मेल करते हैं ना स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस भी निकल के आती है, तो स्पाइसी लगता है, थोड़ा ग्रीन लगता है, थोड़ा फ्रेश लगता है, मैच्योर लगता है, सोफिस्टिकेटेड लगता है, ठीक है। और इसके अंदर वो एक एक नोट होता है यार, वो कौन सा नोट है वो मैं नोट पकड़ नहीं पा रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं उस नोट को, ठीक है, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा एक प्रोमिनेंट स्मेल आती है। इसका किसी ना किसी ने रिव्यू कर रखा होगा, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी खुशबू है। अगर आप ऑफिस के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं सोफेस्टिकेटेड था, थोड़ा सा मैच्योर सा जो स्मेल आपको दे, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस काफ़ी सही मिल जाती है इससे, तो मेरे को मतलब सच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। 1500-1600 के बजट के अंदर आता है, जब आप इसे स्प्रे करते हैं 5-6 स्प्रे करेंगे तो भी ये मेरे हिसाब से 6-7 घंटे चला जाएगा, कपड़ों पे करते हुए तो और भी ज़्यादा चल जाएगी। तो नोटिस कराता है, कॉम्प्लीमेंट्स दिलाता है, एंड सबको पसंद आता है मैच्योर फ्रेश खुशबू ऑफिस के लिए स्पेशली, अगर आपको पसंद हो डेफिनेटली कर सकते हो। तो गाइस ये थी बेस्ट समर परफ्यूम के ऊपर थोड़ी रॉ एकदम मैंने वीडियो रखने की कोशिश की है, कुछ फैंसी चीज़ें करने की कोशिश नहीं की है, जैसे एक्सपीरियंस रहे वैसे आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं, ठीक है। अब अगर आपको रियली में इस वीडियो की नीड थी तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, मुझे जो परफ्यूम्स मिल गए सही रेट के अंदर उनका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके अगर आपको चाहिए हो तो ले सकते हो, नहीं चाहिए हो तो कोई बात नहीं आगे बढ़ सकते हो वीडियो देख के, ठीक है। पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन कीप स्टाइलिंग एंड ड्रॉ।